उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा पौड़ी लोकसभा सीट से 3 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करेंगे। इस बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर की कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में चमोली जनपद के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा और दूसरे चरण में रुद्रप्रयाग और पौड़ी जनपद में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इस सम्मेलन में सभी बूथों से 3-3 कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, पौड़ी संसदीय क्षेत्र के 3 जनपदों में 16 तारीख से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। 16 तारीख को चमोली जनपद का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा और 17 तारीख को रुद्रप्रयाग, 18 तारीख को पौड़ी। माननीय अध्यक्ष जी 3 दिन पौड़ी संसदीय क्षेत्र में रहेंगे और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और सम्मेलन में हमने हर बूथ से 3-3 लोगों को आमंत्रित किया है, उनको प्रशिक्षण देने का भी काम करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित ये सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। उस सम्मेलन में हमने पूर्व कांग्रेस के अध्यक्षगण को भी बुलाया है, पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया है, नेता प्रतिपक्ष जी को भी आमंत्रित किया है और हमारे जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान विधायक हैं, सब लोगों को आमंत्रित किया है।